बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मुझे कहते हैं मरियम यूसुफ और मैं आप सबको बनाना सिखा रही हूँ चिकन सैंडविच एंड वेजिटेबल सैंडविच। वीवर्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन सैंडविच और चिकन वेजिटेबल सैंडविच। चिकन सैंडविच के लिए हमें, या चिकन वेजिटेबल सैंडविच के लिए हमें चिकन चाहिए, ये 320 ग्राम के मुताबिक है। ये मायोनीज है, ये ब्रेड है, उसके बाद ये खीरा है, ये टमाटर है। और एक अदद खीरा ले लें, एक दरमियाने साइज़ की टमाटर और दो हरी मिर्चें हैं, नमक है, काली मिर्चें हैं, ये एक इंच के मुताबिक ये अदरक है और 10 अदद जवे हैं लहसुन के और ये आधी प्याज है। इवेंस, अब मैं कटिंग बोर्ड इस्तेमाल करने लगी हूँ। कटिंग बोर्ड इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है वो ये है कि टिश्यू को थोड़ा सा पानी के साथ, ये देखिए मैंने हल्का सा रब कर लिया। रब करने के बाद ये मैं इसे नीचे रख लूँगी और कटिंग बोर्ड को ऊपर रख लूँगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये देखिए यूँ हिलता नहीं है। अब मैं जो मैंने प्याज काट के रखी थी इसके मैं मज़ीद दो से तीन स्लाइस करूँगी। नाइफ को जो शेफ़ नाइफ होती है, कोई भी छुरी पकड़ने का सही तरीका ये है कि इसके ब्लेड से पकड़ा जाए, ये ब्लेड से, और बाकी जो तीन उंगलियाँ वो पीछे दस्ते को पकड़नी चाहिए। ये देखें, अब यूँ करके इसको अपने इस हाथ को यूँ कर लें ताकि आपको कोई कट ना लगे, कोई ज़ख्म ना आएगी। मैंने मोटी मोटी प्याज काटनी थी, थोड़ी सी ना मोटी ना बारीक। ये देखें, मैंने प्याज काट ली बस। अब ये देखिए, ये मेरे पास जो चिकन था इसमें ये मैं प्याज डालूंगी और इसमें मैं प्याज डाली। प्याज डालने के बाद ये मैं लहसुन डालूंगी, लहसुन डालने के बाद ये मैं अदरक डालूंगी और अदरक डालने के बाद ये मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। बस ये देखिए, मैं इसमें पानी डालूंगी, थोड़ा मैं इसमें ये प्याज अदरक लहसुन और ये सारी चीज़ें डाल के अब मैं इसको हल्की फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे मैं रख दूँगी। इसको ढक के 7 से 8 मिनट तक ये हो जाए। ये बस इसमें मैंने अदरक लहसुन और प्याज इसलिए डाला है कि इसमें एक तो ये जब चिकन बॉयल होगा बड़ा अच्छा हो जाएगा और दूसरा इसमें जायका चला जाएगा, बहुत मज़े का फिर ये चिकन बन जाएगा। हाँ जी बस ये देखिए, ये तो मैंने इसे कट के रख लिया है, लेकिन ये मैंने सिर्फ एक पीस जो है चिकन का ये रखा है आपको बताने के लिए। आप इस तरह, इस तरीके से बहुत अच्छा होता है। आप एक चम्मच को कांटे को यूँ रखें और दूसरे को यूँ करके इसे छील के ना। देखिए व्यूअर्स, ये कितने अच्छे तरीके से ये हो रहा है, ये बहुत अच्छे तरीके से होगा और बड़ी आसानी से भी होगा आपसे और बहुत जल्दी भी हो जाएगा। व्यूअर्स ये देखिए, मैं इसको यूं करके चॉप कर लूँगी। कटिंग करने के बाद भी बिल्कुल इसको आप फाइन चॉप कर लेना। ये देखिए, इसको दस्ते और ब्लेड के अभी नोक से पकड़ के चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च थी वो मैंने इसमें डाल दी। इसके बाद फिर मैं इसमें काली मिर्च डालूंगी, काली मिर्च डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। नमक डालने के बाद फिर मैं इसमें मायोनीस ऐड कर दूँगी। ये देखें, मायोनीस डालने के बाद ये हमारा सारा पेस्ट मिक्सचर तैयार हो गया। ये देखें, मायोनीस डालने के बाद ये हमारा सारा पेस्ट मिक्सचर तैयार हो गया। इसमें मैं थोड़ी थोड़ी मायोनीस पहले लगा लूँगी, थोड़ी थोड़ी बस, थोड़ी थोड़ी सी, और मैं ये नाइफ की मदद से इसको यूं करके कर लूँगी। दोनों स्लाइस पे आप थोड़ी सी बस हल्की सी, क्योंकि आपने पहले भी मायोनीज मिक्सचर में ऐड की हुई है हम लोगों ने, आप स्पेशल की मदद से मैं इस पर यूं करके रखूँगी और नाइफ की मदद से हम थोड़ा सा इसको फैला लेंगे। खिलाने के बाद हम थोड़ा सा और मिक्सर डालेंगे। मिक्सर डालने के बाद जैसे जितना आप पसंद करते हैं वैसे, मैं स्लाइस के हिसाब से कर रही हूँ और उसके बाद हम लोग यूं करके करेंगे। और हम यहाँ से करके आप कोई भी शेप का कटिंग कर सकते हैं। हम लोगों ने चिकन सैंडविच बनाया है, अब हम लोग चिकन वेजिटेबल सैंडविच बनाएंगे। इसके लिए हम पहले टमाटर को कटिंग करेंगे दोनों साइड से, करने के बाद इसको यूं करेंगे, करने के बाद ऐसे करके हम इसके बीज निकाल लेंगे। यूं करके हम सारे बीज निकाल लेंगे। इसके निकालने के बाद इसको यूं करके रखेंगे। रखने के बाद मैंने पहले अभी आपको बताया, आपने अपनी उंगलियों को यूं करना है, नाइफ को यहाँ से पकड़ना है। ये कटिंग करने के बाद अब आपने इसको थोड़ा सा छोटे 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 क्यूब में कटिंग कर लेना। अब हम खीरे को कटिंग करेंगे, इसका भी तरीका ही है। करने के बाद हम लोग इसको यूं करके, आप जिस साइज़ का आप पसंद करें, लेकिन यह कि थोड़ा सा चॉप हुआ हो, फाइन चॉप नहीं, बस हल्का सा चॉप हुआ हो। ये देखिए, फाइन चॉप नहीं आपने करना, हल्का सा चॉप करना है। ये हमारा
चिकन वेजिटेबल सैंडविच भी हमारा तैयार हो चुका है, मिक्सचर उसका। चिकन, काली मिर्च, नमक, सब्ज मिर्च थोड़ी सी, और ये देखिए मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी। उसके बाद अब इसमें मैं डालूँगी मायोनीस। मायोनीस डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ये हमारे पास बड़ा अच्छा मिक्सचर तैयार हो गया है। और व्यूअर्स, याद रहे कि आप इसे मेहमानों के आगे भी पेश कर सकते हैं, उसके अलावा बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसमें मायोनीज़ लगाऊंगी इन पीसेस पे। मायोनीज़ इसलिए लगाते हैं ना, थोड़ा सा ये अच्छे तरीके से बाइंड हो सके। ये मैंने नाइफ की मदद से इसको मायोनीज़ लगा ली इस पर। लगाने के बाद अब मैं स्पैचुला और फोर्क की मदद से इसके ऊपर मिक्सचर रख दूँगी। ये देखें, इसको आप यूं करके फैला सकते हैं। फैलाने के बाद इसके ऊपर तीसरे स्लाइस के ऊपर फिर मैं लगाऊंगी ये वाला मिक्सचर लगाऊंगी, चिकन वेजिटेबल वाला। एक तो ये बड़ा हेल्दी होता है, बच्चों खाते भी बड़े शौक से हैं। इसमें मायोनीज़ होती है, चिकन होता है, चिकन तो वैसे ही बच्चों का बड़ा पसंदीदा चीज़ है। अब ये देखिए मैं इसको यूँ करके यूँ रख दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से ये भी रेडी हो गया हमारा। पहले हमारा चिकन वेजिटेबल हमने रेडी किया सैंडविच, अब हम लोगों ने ये यूँ करके, बेशक आप इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से ऐसे रखेंगे और अपनी नाइफ को यूँ करके यूँ घुमा लेंगे तो ये बड़े अच्छे से आपका कटिंग भी हो जाएगा। जी भी बस हमारा चिकन वेजिटेबल सैंडविच और चिकन सैंडविच हमारा तैयार हो चुका है। अगर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको आपको बहुत यमी बहुत मज़े का चिकन वेजिटेबल और चिकन सैंडविच तैयार हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।